अब कल मोदी जी आएंगे लाल किला से और भाषण देने लगेंगे, इतना फेंकेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस भारत की बात कर रहे हैं। हमारे देश के युवा हमारे देश की मान सम्मान है, अभिमान है, अलग ऊर्जा से ये देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इनके लिए अलग अलग योजनाएं निकाल रही है, रोजगार इस क्षेत्र में इतना दे दिया, इस क्षेत्र में इतना दे दिया, इतना बोलेंगे आपको लगेगा रोजगार की सुनामी ला गया है, लेकिन रोजगार किसी को मिला नहीं है धरातल के ऊपर। एक एग्जाम को 4 साल से ये लोग करा नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। ऊपर से जो मन में आ रहा है वो ये लोग करते जा रहे हैं, बच्चा को मानसिक रूप से गुलाम बना दिए। हमारे गरीब भाई बहन के लिए हम लोगों ने ये कर दिया, ये योजना वो योजना, 10,000 कमाने वाला लोग ढंग से अपना घर नहीं चला पा रहा है, इतना महंगाई भर गया है। गरीब किसान के लिए हम ये कर दिए, किसान के लिए सम्मान निधि योजना है, योजना 2022 तक किसान का इनकम डबल हो जाएगा। कितना किसान का खेत इस बार परती पड़ गया क्योंकि खाद का इतना ब्लैकमेलिंग, खाद ना कितना किसान को इस बार मिल ही नहीं पाया, कितना किसान का खेद ना परती पड़ गया। लेकिन कल वो जो भाषण बोलेंगे ना बाबू, आप बस सुनना, लपेटना, आप देखोगे ना, आप इतना वो बोली देंगे ना कि आप लपेटते लपेटते आपका लटाई भर जाएगा, लेकिन इसका भाषण खत्म नहीं होगा, बस आप सुनते रहना। कल हमारे देश के युवा हमारे देश की सम्मान है, ये कर दिए वो कर दिए, बहाली ढंग से करवा नहीं पा रहे, 5 साल में एक ही बहाली को लटका कर घुमा फिरा रहे हैं। और ऊपर से आप लोग कल इतना बस आपका सुनते रहना, और कल मेरा वीडियो ये याद रखिएगा भैया कल क्या बोल रहे थे, ठीक है।